नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला और एमपी न्यूज़ में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी हस्ती से जिससे मिलकर आपके जो भी नेगेटिव पावर है वो दूर हो जाएगा और पॉजिटिव पावर आपके अंदर बिल्कुल समा जाएगा, क्योंकि मौका है नववर्ष का और नववर्ष के दिन सभी श्री गणेश के दर्शन के साथ अपने नववर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि श्री गणेश को सबसे प्रथम पूजनीय माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो बुद्धि के देवता हैं और सभी चाहते हैं कि सबके अंदर सद्बुद्धि आए और इसी सद्बुद्धि के साथ वो अपने परिवार को खुश कर सकें और जो भी लोग उनसे मिले उन्हें खुश कर सकें, और इसीलिए वे श्री गणेश के मंदिर जाते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम आपको एक ऐसी हस्ती से आज एमपी न्यूज़ के माध्यम से मिलवाना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक कृष्णा गुरु जी, जिनसे मिलकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी और साथ ही जैसा कि आजकल माहौल रहता है सभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, वो सारी चिंताएँ बस यूँ समझ लीजिए कि आपकी चुटकी में अब दूर होने वाली है। नमस्कार गुरु जी, हम स्वागत करते हैं आपका एमपी न्यूज़ में और हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी टिप्स, क्योंकि खासकर आज देखा जाता है कि अंधविश्वास में कुछ लोग तो डूबे रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों के लोग होते हैं वो इस अंधविश्वास से दूर रहते हैं। और आजकल वैसे तो गुरुजी लोगों के पास सभी जाते हैं, सभी के कोई ना कोई गुरुजी होते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश है और यहाँ आध्यात्म से कई चीज़ें जुड़ी होती हैं, कई लोग जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करने का मन नहीं करता है। तो आप लोगों से किस तरह से वो कहना चाहेंगे कि वो अंधविश्वास से तो दूर रहें साथ ही आध्यात्म से भी जुड़े रहें? माय गॉड, इकट्ठे आपने इतने प्रश्न दाग दिए मेरे पे। सुनने वालों को मेरा प्रणाम, और इस प्रकार नववर्ष की मंगल कामनाएं मेरी तरफ से भी आपको। नम्रता ने प्रश्न किया कि इंसान के जीवन की नकारात्मकता जो एक रूटीन रहती है उसको दूर करके हम सकारात्मकता कैसे डालें। तो पहली बात नम्रता, मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि आदमी पहले वो जानता है क्या मेरे पास नकारात्मकता है। पहली चीज, इफ ही इज अवेयर अबाउट हिज नेगेटिविटी मीन्स ही इज 50% वर्क डन। अगर वह अपने नकारात्मकता के बारे में सजग है तो 50% उसका काम हो गया। 50% उसको दूर कैसे करना। दूसरी चीज, वो दूर करना चाहता है क्या। अगर वो दूर करना चाहता है तो उसका 100% काम हो गया। और हम जैसे कोई माध्यम नहीं, जिस प्रकार आपके घर में लाइट नहीं रहती है ना, वो लाइट चली जाती है, आप क्या करते हैं, इमीडिएट इलेक्ट्रिक मैन को कॉल करते हैं, लाइट वाला आ जाता है, घर को प्रकाशमय करके चले जाता है, ना उसको याद करते हैं, अगली बार याद करते हैं जब लाइट आती है। तो मेरा भी कुछ एक रोल उसी प्रकार एक लाइट वाले समान, कि जब भी किसी फोन आता है किसी का परेशान रहता है, नेगेटिव से गुजरता है, उसको उसकी एहसास, उसके पास जो है उसका एहसास अपनी प्रार्थना से, अपनी हीलिंग के माध्यम से टेलीफोन पर करवाने का प्रयास करता हूँ। और ऊपर वाले ने मुझे कामयाब रखा है कि जितने लोगों के फ़ोन आए उनकी नकारात्मकता किसी भी प्रकार की, वो शारीरिक दर्द हो या कोई रिश्तों का दर्द हो या किसी अभाव का दर्द हो, किसी हद तक मैं एक शक्ति के माध्यम से जो मेरी श्वास चला रही है मैं दूर करने में कामयाब रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को ऐसे क्या अलग आइडियाज देते हैं जो लोग उस पर विश्वास, बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर पाए, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए वो सारी चीज़ें फॉलो करना एक मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि आजकल टाइम की कमी होती है और जो आजकल जो पंडित होते हैं, गुरुजी लोग होते हैं, वो ऐसे ऐसे आइडियाज देते हैं कि ये करो तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, वो करो तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो आप ऐसे क्या अलग से आइडियाज देते हैं जिन पर लोग विश्वास भी कर पाए और साथ ही समय की कमी होने के बावजूद उसे पूरा कर पाए। जहां तक आपने कहा कि गुरु के पास जाते हैं, वो उनको मार्गदर्शित करते हैं, कुछ उपाय देते हैं, रिमेडी देते हैं, पूर्णतः सहमत हूं आपसे, क्योंकि कोई भी इंसान विषम परिस्थिति में होता है तो वह किसी ना किसी ज्योतिष के पास जाता है, किसी ना किसी टेरोट कार्ड रीडर के पास जाता हूँ, अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। ये परिपाटी चली आ रही वर्षों से, तो हम उसका समाधान अपने पास नहीं ढूंढने के बजाय हम किसी और व्यक्ति में देखते हैं। मेरा सबसे निवेदन यही है, जो लोग मुझको सुन रहे हैं,
एमपी न्यूज़ के माध्यम से कि पहले आप अपने खुद के द्वारा अपनी समस्या को जानें। जब आपकी समस्या को आपने एक चुनौती के रूप में लिया तब आप उसको दूर करने में स्वतः सक्षम हो जाएंगे। सामान्यतः हम जीवन में ऐसा होता है कोई व्यक्ति कोई वस्तु कोई परिस्थिति के सामने अपने आप को हम सरेंडर कर देते हैं, ओ माय गॉड मैं नहीं कर सकता। तो पहले अपनी समस्याओं को चुनौती में बदलें और अपने ऊपर केंद्र करें और ये माने कि मैं ठीक कर सकता हूँ मेरी समस्याओं को, तो अधिकांश उसको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। लेकिन हमने सुना है कि हम जैसा कि हमने आपकी प्रोफाइल भी देखी, उनमें हमने देखा है कि आप त्योहारों को भी आपने मानव सेवा से जोड़ दिया है और हर त्यौहार का कोई ना कोई रीज़न होता है, क्योंकि संक्रांति क्यों मनाते हैं, फिर होली क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, सारे त्यौहारों का एक रीज़न होता है। लेकिन वो रीज़न जो है सभी को पूरे नहीं पता होते हैं और हमने देखा है कि आपने त्यौहारों को भी एक मानव सेवा से जोड़ दिया है, ये सबसे अच्छा पॉजिटिव काम आपने किया है, तो ये सब आपने कैसे किया? देखिए, विचार आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना सेकंड इशू है। विचारों का आना जाना चलता रहता है, त्यौहार भी आते जाते हैं, हमने कभी से चलते रहते हैं। मेरे मन में त्यौहार को मानव सेवा से जोड़ने का टाइम जब आया, जब मैं गणेश जी की आरती गा रहा था कि अंधन को आंख देत कोड़न को काया, आप भी गाती होंगी नम्रता जी, तो मैंने सोचा गणेश जी हमको क्या कहना चाहते हैं। आज तक हमने नहीं सुना गणेश जी कभी धरती पर आकर किसी को आंख दे गए, आज तक हमने नहीं सुना किसी कुष्ठ रोगी को काया मिल गई। ठीक है, प्रार्थना में विश्वास होता है, मानता हूँ, लेकिन वो गणेश जी ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप स्वयं गणेश जी बनके किसी के जीवन में जाएं, आप अपनी नेत्रदान के माध्यम से उनको एक आंखें दे सकते हैं। आपको मालूम है नम्रता जी, एक इंसान मृत्यु प्रणाम अगर अपनी आंखें दान करता है उसके नेत्रदान से 6 व्यक्तियों को रोशनी मिलती है। तो आपके जीते जीते आपके न रहने पर भी आप किसी के लिए गणेश जी बन सकते हैं, किसी कुष्ठ रोगी के आश्रम में जाकर कोई मदद कर सकते हैं, उनके जीवन के गणेश जी बन सकते हैं आप। और अगर कोई कार्य किसी के लंबित पड़े हैं आपके पास, उसके विघ्न दूर करके आप उसके जीवन के गणेश जी बनते हैं बन सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि गणेश आरतियाँ हैं, पूजाएँ हैं और जो हमारे त्यौहार हैं, इनको मैं मानव सेवा से जोड़ता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फलीभूत भी होती हैं और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इसके लिए। जी बिल्कुल। एक लाइन में मैं कंफ्यूज हो गई हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपने कहा कि यदि कोई आंखें दान करता है तो उसकी आंखें दान करने से 6 लोगों को रोशनी मिलती है, तो वो 6 लोगों को रोशनी कैसे मिलती है? साइंस कहता है, विज्ञान प्रिंटिंग रिप्रूव है, आप किसी आई डॉट डोनेट बात करें जो आई डॉक्टर है, कि वो रेटिनाज जितनी जितनी अफेक्टेड रहती हैं, तो हमारे एक व्यक्ति की तो पूरी रेटिना कंप्लीट रहती है, तो जितनी जितनी अफेक्टेड रहती है वो रेटिना में लगा कर 6 व्यक्तियों को वो रोशनी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आप एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ जैसे कि आप लोगों को तो मार्गदर्शन देते ही हैं, साथ ही उनका जो माइंड है वो क्रिएटिव करते हैं, उसके साथ ही आप बॉडी क्रिएटिव बनाने के लिए भी आप एक योगा टीचर के तौर पर भी काम करते हैं और योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है, उसमें भी हमने सुना है कि आपने जो योगा है वो भी हमेशा अलग अलग जगह पर जाकर किया है, तो वो अलग अलग जगहों पर जाने के पीछे आपका क्या मकसद था? लेकिन नम्रत जी, ये मेरा ये मानिए कि मेरा एक स्वभाव है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, कुछ मेरा अंदर जुनून रहता है कि मैं कुछ अलग हटके करना चाहता हूँ, ये मेरा शुरू से नेचर है। ये भी एक परंपरा बनती गई, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहला दिन जो था 2014 का, और उसमें 21 तारीख को मेरे को जयपुर जाना था और ट्रेन भी वो चेयर कार थी, तो मुझे पता लगा योग टीचरों में यार हम अनजस्टिफाई करेंगे योग के साथ। तो उस दिन हमारा विचार आया, हमने रेलवे वाले से परमिशन ली, स्टेशन मैनेजर से उनने परमिशन दी, तो हमने वो चेयर कार में हमने योगा परफॉर्म कराया। माय गॉड, आई वाज नॉट अवेयर कि इतना ज़्यादा रिस्पांस मिल जाएगा। मीडिया कर्मियों ने भाई लोगों को धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट करा कि टाइम्स ऑफ इंडिया दूसरे टाइम में हमारा फोटो आया न्यूज़ ट्रेन में योगा कराते हुए, क्योंकि उनके लिए एक न्यूज़ थी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन चलती ट्रेन में हुआ योगा, जबकि मैंने एक आम सामान्य घटना समझ के करा दिया कि चलो इन लोगों को योग से क्यों वंचित रखें। तो उसी प्रकार मुझे जुनून चढ़ता गया, तो मैं हर अलग अलग योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अलग अलग मनाता हूँ। एक दिन मैंने महाकाल परिसर में भिक्षुकों के बीच में करा, एक दिन मैंने कैलाश मानसरोवर में सबसे ऊँचाई पर रहकर कि योग के द्वारा आप ऑक्सीजन की कमी को भी दूर कर सकते हैं उसका संदेश दिया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बना। 13,000 स्क्वायर फीट ऊपर योगा परफॉर्म कर हाईएस्ट एल्टीट्यूड का योगा रिकॉर्ड बना। जी, हमने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप
आपके जो अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि अगर लोग आपके पास ना भी आ पाए, समय की कमी या फिर दूर रहने की वजह से ना भी आ पाए, तो केवल फोन पर भी आप समाधान कर लेते, तो ये आप कैसे कर लेते हैं? नम्रता जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि वही बात आ जाएगी कि वह शक्ति जो मेरे पास है वो समस्त लोगों के पास है, बस वो उससे जागरूक नहीं, सजग नहीं उसके प्रति। हम हमेशा अपने आप को बाहर की दुनिया में अटैच रखते हैं, हमारी समस्याएं, परेशानियां, तनाव में घिरे रहते हैं, लेकिन वो पावर जो मेरे पास है वो आप सब लोगों के पास भी है जी। इस बात को मैंने प्रूव करके दिखाया है कि आज की तारीख में करीब 16 कंट्री में मेरे 65 डिवाइन एस्ट्रो हीलर हैं जो मेरे से हीलिंग टेक्निक सीख कर दूसरे लोगों को हील कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब हर किसी में इतनी शक्ति होती है, बस जैसे कि हमने सुना था हनुमान जी के बारे में कि उनके पास इतनी सारी शक्ति थी लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे, और जब उन्हें याद दिलवाया गया तो उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वो सात समुंदर पार सीता मैया का पता लगाने चले गए। तो अब देखा जाए तो आज भी ये बातें सच है कि सबके अंदर इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है, सिर्फ जरूरत है तो उसे जागृत करने की। यही कहना चाह रहे हैं आप? बाहर की आपको पूरा मालूम है जी। आपका नाम आपको मालूम है, आपकी गाड़ी, कार, एटीएम, हम मालूम है। हमने अभी तक अंदर की यात्रा ही नहीं करी। अब अंदर की यात्रा करी नहीं, कभी किसी ने बोला आँख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान कर लो, ध्यान भी करते हैं, ध्यान कहीं और रहता है। जब हम अंदर की यात्रा करेंगे तब पता लगेगा कि हमारे इस अंदर के खजाने में क्या क्या ऊपर वाले ने देके भेजा है। और हम छोटी छोटी समस्याओं पर अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं, किसी और के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, ज्योतिष दिखाते हैं, वो भी प्रणाम करता हूं समस्त विद्याओं को, लेकिन पहले आप अपना समाधान खुद से ढूंढे। वो ना, मुश्किल में हो आप अगर तो समझो इस बात को, लेकर अपना नाम तुम खुद को आवाज दो जी। बिल्कुल, जैसे कि गुरुजी आपने ये भी बताया है कि सबको अपने अंदर शक्ति जागृत करने की जरूरत है, हर किसी के पास इतनी पावर है, तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि हम अपने अंदर की शक्तियों को आखिर पहचाने कैसे? पहली बात तो आप जानना चाहते हैं क्या? यस, दे लॉट ऑफ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु का भरमार पड़ा हुआ है, कुछ शुल्क लेके कराते हैं, कोई निःशुल्क कराते हैं। आपको अंदर एहसास कराना, जिस प्रकार एक लाइट आपके घर की चले जाती है, अंदर की लाइट जलाना, ये कई बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, और उसी में एक मेरा नाम भी शामिल कर लीजिए आप। मैं ऑनलाइन फ्री कोर्स करवाता हूँ जिसमें आपको बताता हूँ आपकी ये समस्या क्यों है जी, किस ग्रह के कारण है जी, क्या तकलीफ है, ये आप समस्या क्यों झेल रहे हैं, इसको आप ही के माध्यम से मैं ठीक करूँगा। मैं भी एक आप जैसा आम इंसान हूँ, मेरी भी सांस वही व्यक्ति चला रहा है जो आपके चला रहा है जी। तो हम सब एक हैं, बस ये दारोमदार है कि कोई एक चीज़ का ज्ञान जिसके पास ज़्यादा हो तो किसी दूसरे को वो ज्ञान देना चाहिए। हो सकता है आप मेरे जीवन में कोई गुरु बन सकती हैं, कोई ज्ञान आपको डिजिटल का नॉलेज है, आप मुझे देखे गुरु बन सकती। तो गुरु शब्द को हम एक अध्याप तक सीमित ना रखें, एक ज्ञान से सीमित रखें। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, एक ऐसा पर्सन जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वो आपका गुरु। जी बिल्कुल, आज जैसे कि हम किसी भी गुरुजी के पास जाते हैं तो वो हमको बताते हैं कि आपका शुक्र ग्रह तेज है, आपका शनि तेज है, आपसे शनि नाराज़ है, आपसे गुरु नाराज़ है, तो ये सब चीज़ों में लोग बाग बहुत उलझ जाते हैं। खासकर अगर हम आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो उन्हें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती और वो उलझ जाते हैं कि आखिर कैसे हमसे कोई नाराज़ है तो क्यों है। तो इस जो प्रोसेस है इसको ईजी करने के लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, मेरे विषय से संबंधित ही प्रश्न किया, ये मेरे जीवन का संकल्प है, मेरा मिशन है कि लोगों को सजगता पैदा करूं उन ग्रहों के माध्यम से। वाकई ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, वही 5 तत्व के ग्रह हैं। भगवान कभी धरती पर नहीं आता, वह ग्रहों के माध्यम से कोई आपको लाभ, सुख या दुख पहुंचाता है। अब वो रिश्ते, वो जो ग्रह हैं वो कहाँ मौजूद हैं? वह आपके रिश्तों में मौजूद हैं, आपके शरीर में मौजूद हैं, और आपके किसी न किसी बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। हर ग्रह किसी ना किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी शरीर के अंग से जुड़ा हुआ है जी। मैं विस्तृत बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं चंद बातें करूं कि हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? आप बोलेंगे 7। 7 का रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, शनिवार, ये 7ों ग्रह 7 दिन को डेडिकेटेड है। आप मानते हैं? हम संडे मंडे वीकेंड इंजॉय करते हैं कि अभी हमने फोकस नहीं करने की, कौन सा ग्रह का दिन कौन सा है। अगर आप इसमें और घेरे में जाएंगे तो हर दिन ग्रहों को डेडिकेटेड है। 12 महीने क्यों होते हैं इसका भी एक लॉजिक है, 7 दिन क्यों होते हैं इसका भी एक लॉजिक है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे सूर्य का सीधा संबंध आपके पिता से, चंद्रमा का 1000 संबंध आपकी माता जी से, मंगल का सीधा संबंध आपके भाइयों बहनों से,
बुध का गुरु कनेक्शन आपकी बुद्धि से, गुरु का कनेक्शन आपके, अगर आप लेडीज हैं तो आपके हस्बैंड से, बच्चों से। शुक्र एक जेंट्स के जीवन में वुमेंस के रूप, पत्नी के रूप में रहते हैं। शनि आपके घर में एक बुजुर्ग के रूप में, एक घर के मेट के रूप में, सर्वेंट के रूप में रहते हैं जी। तो इन सब रिश्तों के साथ आप पहले अपने आप को टटोल के देखो कि आपके रिश्ते कैसे हैं जी। अगर आपके फादर से व्यू नहीं बन रहे हैं, मदर से बन नहीं है आपकी, तो कहीं ना कहीं वो ग्रह आपका अफेक्टेड है जी। तो एक हीलिंग के माध्यम से ही उन ग्रहों को मैं ठीक करने के एक तरीका बताता हूँ। और जिस प्रकार शरीर का दर्द भी आप में है, जैसे घुटने में दर्द है, घुटने का दर्द का भी एक कोई ना कोई ग्रह कारक होता है। अगर मेरे हार्ट में दर्द है, मेरे हृदय का भी कारक होता है। मैं विस्तृत नहीं जाऊँगा, लेकिन एक छोटी सी मैंने विद्या बनाई जो मैं ऑनलाइन ऑफर करता हूँ, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की। कोई सीखना चाहता है सीख भी सकता है, divineastrohealing.com krishnaguruji.com साइट पर जाके निश्को सिखाता हूँ। दो दिन का कोर्स होता है, इसके अंदर वो व्यक्ति समझ जाए कि ये तकलीफ मुझे हो रही है तो किस ग्रह के कारण हो रही है और इसको दूर मैं कैसे कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो आप, उम्मीद है आप सब गुरुजी से यही सीखेंगे। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मेरी साइट है और उस पर बिल्कुल मुफ्त है, तो क्यों नहीं कोई सीखना चाहेगा, क्यों नहीं कोई अपने शरीर की तकलीफ को दूर करना चाहेगा। इसके साथ ही गुरुजी हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अलग से एक विश्व प्रार्थना दिवस भी बनाया है, तो उसको बनाने के पीछे आपका क्या मकसद है? और चूंकि सब अलग अलग, सबका कल्चर होता है, कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, तो वो कहता है कि हम कुरान पढ़ेंगे, कोई कहता है कि हम रामायण पढ़ेंगे, तो उन सब के बीच में आपने बैलेंस बनाने के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, विश्व प्रार्थना दिवस का कंसेप्ट मेरे से उस टाइम था, मेरे पे 1982-83 पर, जब मेरा स्वयं का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ और मैं अपनी साधना से, शक्ति से मानने के बाद कोई मुझे वो नहीं हो रहा कि मैंने कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ हीलिंग भी मेरे शरीर को ठीक करने में कामयाब थी और लोगों की प्रार्थना भी। और उसी दौरान अमिताभ बच्चन जी को भी कुली पिक्चर के कारण घटना में बहुत ज़्यादा सीरियस थे वो, तो समस्त लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की थी, ये शायद आप लोग जानते होंगे। और वाकई वो दूसरा जन्म लोगों की प्रार्थना से मिला। और कहीं हद तक मैं भी एक अदना सा था, 22 साल का लड़का था उस वक्त, तो मुझे भी कहीं ना कहीं हीलिंग का, मुझे प्रार्थना का, मेरी वो कहा भी जाता है कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम आ जाती है। तो ये दुआ को मैंने एक संक्षिप्त करके विश्व प्रार्थना दिवस ग्लोबल हीलिंग डे 11 अगस्त को सेलिब्रेट करने का मैं निर्णय लिया है। विगत 4 सालों से कर रहा हूँ उसमें, यही मेरा समस्त धर्मों के लोगों से निवेदन है, समस्त अपने अपने धर्मों में, वो भली अरदास हो, नमाज हो, दुआ हो, प्रार्थना हो, पूजा हो, आप 11 अगस्त को एक 11 से 11:30 का समय दे। उस वक्त सिर्फ आप अपनी परेशानियाँ, तनाव भी सोचें, मैं नहीं बोल रहा कि आप अपना मन सोचें, उसके साथ साथ पूरी ह्यूमन, मानव जाति जिसके लिए एक प्रार्थना करें, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जो अस्पताल में कहीं ना कहीं चीख रहा है और हो सकता है आपकी प्रार्थना से वो ठीक हो सकता हो। तो यही मैं एक विश्व प्रार्थना दिवस 4 सालों से लगातार कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। एक चीज़ और हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा कि देखा जा रहा है कि आजकल यंगस्टर्स हों या फिर ओल्ड एज के लोग, मतलब हर कोई आजकल वेस्टर्न कल्चर में ढलता जा रहा है, उन्हें बच्चे वहीं की संस्कृति ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय भारत की संस्कृति के। और हम देख रहे हैं कि जब हम किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं, जैसे कि वृंदावन ही जाते हैं या ओरछा धाम जाते हैं, तो वहाँ पर जो है फॉरेनर्स लोग ज़्यादा आते हैं, तो क्या माना जाए कि यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो किसकी संस्कृति ज़्यादा बेस्ट है? नहीं, इसको हम तुलनात्मक अध्ययन ना करें। सामान्यतः हमारे चित्त का स्वभाव होता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है उसकी हम बहुत वैल्यू करते हैं, है ना, और जो चीज़ हमारे पास है उसको हम बड़ा ग्रांटेड लेते हैं जी। वो जो संस्कार, विदेशों के पास सब कुछ है, उनके अंदर संस्कार, उनके पीछे जो भगवान का प्रति आराध्य भाव है, मंत्र शक्ति, वो वहाँ नहीं है जी। तो उनको जब उसका सुख मिला तो ने उसको लिया। और हम लोगों के पास अभाव है, पाश्चात्य संगीत का डीजे वीजे हमने देखा ही नहीं था, धीरे धीरे वो कम कर। तो इसको मैं कम शब्दों में सीमित करने का बोलूं तो हर देश का, मैं चूंकि काफ़ी जगह जा चुका हूं, हर देश का अपना एक अध्यात्म है, उसको उसका फॉलो करना चाहिए। और हाँ, रिस्पेक्ट ऑल फॉलो वन, फॉलो आप भले एक को करें, फॉलो एक को ही करना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट अपन सभी धर्मों की करें। तो अगर वेस्टर्न की बात करिए आपने, मैं उसको ही प्रणाम करता हूँ। मैं बाइबल वन चर्च में जाकर ही सीलिंग सेशन लिए मैंने, तो अपनी सोच को मैं संकीर्ण नहीं रखना चाहता, जितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं हम उतना वो करना चाहिए। लेकिन हाँ, उसका दुष्परिणाम ना निकले, जो भी आप वेस्टर्न कल्चर सीख रहे हैं
उसका अपने आपके संस्कारों पर असर ना, इस बात का बराबर जी बिल्कुल। अगर हम न्यू ईयर की बात करें तो जब 31st का दिन आता है तो अधिकतर लोग जगह जगह पार्टीज की जाती है और वहाँ पर कई बड़ी संख्या में भारी मात्रा में वहाँ लोग पहुँचते हैं और कई सारी शराब पीते हैं और रोड पर घूमते हैं, लड़कियाँ छेड़ते हैं, ऐसी सारी वारदातें 31st के दिन हम देखते हैं। तो ये भी तो हम यही कहेंगे कि ना कि वेस्टर्न कल्चर भारत में आ गया है और उस वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को देखो, आज की तारीख में सबसे बड़ा मुश्किल काम है किसी इंसान को समझाना। आज 18 साल के ऊपर इंसान समझदार है, वो क्या कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, वो उसको समझदार है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से करूँगा कि आप उसको शौक तक सीमित रखें, उसकी आदत ना डालें। कोई भी चीज़ शौक रखें, उसकी आदत ना बनाएं। आप ड्रिंक भी करते हैं तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कोई ख़राब नहीं, लेकिन शराब आप पीना चाहते तब आप पिए, शराब की जरूरत नहीं हो कि वो आपको पीना चाहे और वो आपको पिए, आप उसके बगैर रह ही ना सकें। हर चीज़ का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन, हर चीज़ की अधिकता एक जहर के रूप में काम करती है। तो पाश्चात्य संगीत भी अगर आप वो कल्चर को ज़्यादा ले जाएंगे तो भी करेंगे। देखिए तो आप शराब भी कहीं ना कहीं एक दवा का काम करती है, जितनी दवाइयाँ हम लेते हैं उस पर कहीं ना कहीं। तो किसी वस्तु को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आध्यात्म कहीं का भी हो हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ऐसी आदतें जो आपने बताई इसकी बोले शौक पाल लें आप, इसकी हैबिट नहीं डालें, आदत नहीं डालें। जी बिल्कुल। हर साल लोग नए नए रिजोल्यूशन लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं, लेकिन उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो महीने वो याद रखते हैं और फिर तीसरे महीने आते आते वो भूल जाते हैं कि हमने नए वर्ष में क्या संकल्प लिया था। ऐसे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो कौन से संकल्प लें और ऐसा कौन सा संकल्प लें जिसको वो साल भर याद रखें और उसे पूरा भी कर सकें? बहुत अच्छा प्रश्न किया और मेरी दिल की बात नम्रता जी आपने कह दी। सामान्यतः जब भी कोई कहीं हम जाते हैं, शमशान में जाते हैं तो मृत्यु का भय सताता है, अस्पताल में जाते हैं तो मृत्यु का भय सताता है, और जब 100 वर्ष पूरा होता है तो उसी को हमने वेस्टर्न के रूप में स्वीकार कर रखा है। देखिए 9 वर्ष को, ऐसा सामान्यतः हमारा हिंदू वर्ष गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। लेकिन नयापन शुरू तो हमारा रोज एक दिन, जब सुबह हम उठते हैं और रात को सोते हैं और फिर उठते हैं, हर दिन आपके लिए नया जन्मदिन है, एक नया वर्ष है। रही बात आंकड़ों की, तो 9 वर्ष 2020 में रिजोल्यूशन कोई लेता है, जिम जाना है मुझे, मंदिर जाऊंगा, मेरा एक निवेदन है आप लोगों के सामने और इस मंच से मैं कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि सामान्यतः आप कहीं जाते हैं तो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा, आप प्रणाम कर देते हैं हाथ जोड़ के। सामान्यतः अगर कोई डेड बॉडी भी निकलती रही तो भी आप वहाँ रुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं। आप 9 वर्ष में एक मेरी तरफ से एक छोटा सा, अगर आपको ग्रहों को अपने हिसाब से काबू करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि हर दिन जो आप चाहते हैं वैसा आपका जीवन चले, तकलीफें कम हो, तो 1 तारीख जनवरी से 2020 से आप ये संकल्प लें कि मंदिर मस्जिद सब पे रुकें, लेकिन साथ साथ में कोई अस्पताल हो, कोई अनाथाश्रम हो, वहाँ पर भी रुक कर एक मन से प्रणाम करें। क्या लोग आपका प्रणाम किसी चीखते हुए करहा को ठीक कर दें, तो ये आप कमिटमेंट ले सकते हैं कि जब भी कोई अस्पताल से क्रॉस करें, एम्बुलेंस दिख जाए, उसको 2 मिनट रोक के उसके अंदर जो भी हो उसके लिए प्रार्थना करें। मेरा पूरा विश्वास है, चूंकि प्रार्थना पे काम करता हूँ, उसकी प्रार्थना जरूर लगी और कोई ना कोई उससे ठीक जरूर होगा। बिल्कुल गुरु जी, हम ये और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी होती है, सभी लोग इतना बिजी होते हैं कि उनके पास भगवान से प्रेयर करने का भी समय नहीं होता है। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या वो संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में से, मतलब दिन भर की दिनचर्या में से, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, सिर्फ 2 मिनट का वो पल निकाल कर ईश्वर को याद कर सके? तो कैसे वो 2 मिनट में ईश्वर को याद कर सके? ईश्वर क्या, भगवान क्या, बस है भूमि गगन से गगन, बस है वायु नी न से नीर, 5 तत्व का भगवान, 5 तत्व का आप स्वयं। आपको भगवान से मिलना है, जानना चाहते हैं, तो एक बार अपनी आंख बंद करके अपने खुद के स्वरूप को ध्यानें, स्वाध्याय जरूर करें। सुबह उठकर आप अपने कर्म योग में लगे रहें तो कलयुग में कहा गया है वर्क इज वर्शिप। अगर आप एक व्यवसायी हैं, अगर आप एक नौकरी पेशा हैं, अगर आप एक पति हैं, पत्नी हैं, उसके साथ पूरा न्याय दें, उन रिश्तों के साथ पूरा न्याय करें, उस कर्तव्यों के साथ पूरा न्याय करें। मेरे हिसाब से आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। लेकिन हाँ, एक चीज का जरूर करें आप, जैसा नम्रता जी आपने बोला, 1 जनवरी रात को जब सोते वक्त 1-2 मिनट आंखें बंद करके
अपना स्वाध्याय जरूर करें, पूरे दिन में क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया, इसका चिंतन जरूर करें। अगर बाई चांस आपसे कुछ गलती भी हो गई है, वो उसको जिसको भी आप मानते हैं उसको याद करके समर्पित करें और दूसरे दिन से उसको ना दोहराएंगे, इस बात का संकल्प लें। मेरा पूरा विश्वास है अगर नियमित जीवन में अगर आपने रात को सोते वक्त 2 मिनट अगर स्वाध्याय को दिया, अगर अपने आप से बात करी, आने वाली तकलीफ भी आप पे आने के पहले सोचेगी। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है कि लोग आपकी बात को फॉलो करेंगे और 2 मिनट ही सही ईश्वर को याद जरूर करेंगे और अपनी पूरी जो दिन भर की थकान होती है या डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सारी चिंताओं को, सारी तकलीफों को वो सिर्फ 2 मिनट के पल में ही दूर कर पाए। उम्मीद है आप सब ने गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना होगा और आप सब भी अपनी ज़िंदगी में इन सारी बातों को फॉलो करेंगे और अपनी सारी तकलीफों को दूर कर पाएंगे और मोटिवेशनल थॉट्स आपके दिमाग में आते ही रहेंगे। नववर्ष के उपलक्ष में हम आपको बस यही संदेश देना चाहेंगे कि आपके जीवन की जो भी तकलीफें हैं उसे दूर कीजिए। अगर आप नहीं स्वयं कर पा रहे हैं, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कीजिए। हर किसी के अंदर वो पावर होती है, वो क्षमता होती है कि वो सारी तकलीफों को दूर कर सकता है, उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। केवल 2 मिनट के ईश्वर के ध्यान से भी सारी चिंताओं को दूर किया जा सकता है और उम्मीद है कि इस नए वर्ष में आप कई सारी ऐसी नई नई बातों को अपनी जिंदगी में लाएंगे, कई सारे रिजोल्यूशन आप लेंगे और उसे पूरा करने में भी सफल होंगे। एमपी न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।